नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पेरिस में मोदी शरीफ की मुलाकात को पाक ने अच्छी शुरुआत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से इतर मुलाकात की। भारत ने इस मुलाकात को एक संक्षिप्त शिष्टाचार भेंट बताया तो पाकिस्तान ने इसे एक अच्छी शुरुआत कहा। जलवायु समिट में फोटो सेशन के दौरान मोदी और शरीफ की एक संक्षिप्त मुलाकात हुई, जिस दौरान उन्होंने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाए। यही नहीं, वे दोनों बातचीत के लिए भी बैठे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इस आकस्मिक भेंट को कमतर पेश करते हुए कहा कि ये लीडर्स लॉन्च में अचानक हुई शिष्टाचार मुलाकात थी। देश के गद्दार पाकिस्तानी एजेंटों ने किए कई खुलासे। जासूसी के मामले में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कफीतुल्ला खान भोपाल इज्तिमा में शामिल होने आ रहा था। उसकी योजना यहां युवाओं से संपर्क कर उन्हें आईएसआई में भर्ती करवाने की थी। इसी खुलासे की जानकारी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने सोमवार को दी थी। कफीतुल्ला आईएस के नेटवर्क को फैलाना चाहता था। उधर इस मामले में अब तक दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन भी संदेह के घेरे में आ गया है। कफीतुल्ला और बीएसएफ कांस्टेबल अब्दुल रशीद ने पूछताछ में अहम खुलासे किए हैं। जलवायु समिट में विकसित देशों से पीएम नरेंद्र मोदी का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का आह्वान करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में किसी भी समझौते पर पहुंचने का आधार हमारी समानता के सिद्धांत के साथ अलग अलग जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल ऐतिहासिक जिम्मेदारी का सवाल नहीं है, विकसित देशों के पास कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का अधिक विकल्प है। हम उम्मीद करते हैं कि विकसित देश महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करेंगे और उन्हें हासिल करेंगे, क्योंकि उनमें प्रभावों को सहन करने की अधिक गुंजाइश है।